अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है हरियत से होंगे आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एट क्लास एट साइंस का। क्लास एट साइंस में हमारा लेक्चर नंबर 10 है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एट। स्टार्ट नाउ। एमसीक्यूज नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी। फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम मीजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, मास, लेंथ एंड टाइम आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ की मिसालें हैं? ये मिसालें हैं बेस क्वांटिटीज़ की। 3 है, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी एट्सेट्रा, एरिया। ये किस चीज़ की मिसालें हैं? ये है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। बेस क्वांटिटी जो है ये वो 7 है, उससे जो हम अहस करते हैं बाकी उसको डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द कंपेरिजन ऑफ समथिंग विद सम स्टैंडर्ड इज नोन एज, उसको कहते हैं हम मेजरमेंट। किसी चीज़ का किसी स्टैंडर्ड के साथ हम जब कंपेरिजन कर रहे हो तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज 5 है, द स्टैंडर्ड विद विच थिंग आर कंपेयर्ड इज नोन इज, इसको हम कहते हैं यूनिट। एमसीक्यूज नंबर 6 है, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज नोन इज, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ऑप्शन नंबर सी। यस, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट दिए गए हैं। लेंथ की यूनिट जो है मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, टेम्परेचर की केल्विन है, करंट की एम्पियर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। ये जो है ये बेसिक क्वान्टिटीज़ हैं, इससे जो बाकी अहस की जाते हैं उसको हम फिर डिराइव्ड क्वान्टिटी कहते हैं। 7 एमसीक्यूज है, डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होती है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज 8 है, द स्टैंडर्ड मीटर इट्स इज द लेंथ ऑफ ए डैश एलाई मेटल रॉड। स्टैंडर्ड मीटर जो रखी गई है फ्रांस के करीब, फ्रांस के पेरिस में, वो एलाई है किस चीज़ का? वो प्लैटिनियम और इरिडियम का एलाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, प्लैटिनियम इरिडियम। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज इट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो है ये कहाँ है? ये पेरिस में है, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी। 10 है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, एक 1 क्यूबिक मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 11 है, इन एस आई यूनिट्स द यूनिट ऑफ ए टाइम इज सेकेंड विच इज डैश पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 1/86400 पार्ट है ये मीन सोलर डे का, सेकेंड जो है। ऑप्शन नंबर सी। 12 है, डैश आर द वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर एस आई यूनिट सच एज मिली सेंटी डैश, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं एस आई यूनिट में, मिली सेंटी, डीसी, मिली, माइक्रो वगैरह जो है। 13 है, मीटर रूलर हैज 1000 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड। मीटर रूलर में तकरीबन 1000 स्मॉल डिवीजन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको मिलीमीटर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 14 है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द। मेजरिंग सिलेंडर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए? वॉल्यूम ऑफ इस लिक्विड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 15 है, इन मेजरिंग सिलेंडर द इनसाइड कर्वेचर इज कॉल्ड दी। मेजरिंग सिलेंडर में जो इनसाइड कर्वेचर बनती है लिक्विड की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेनिसस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 16 है, वाइल परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल वर्क विद एसिड एनल्कली वी हैव टू यूज, हम क्या कहते हैं? हम पीपित यूज़ करते हैं जब हम प्रैक्टिकल वर्क हमने करना हो एसिड एनल्कली के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 17 है, मेनिसस ऑफ ऑल लिक्विड्स आर कर्व्ड डाउनवर्ड एक्सेप्ट डैश विच इज अ मेनिसस कर्व्ड अपवर्ड। सिर्फ मर्करी का मेनिसस जो है वो अपवर्ड कर्व्ड होता है, बाकी जितने भी लिक्विड है उसका मेनिसस जो है वो डाउनवर्ड करोड़ होता है हमेशा के लिए। मरकरी से ही जवाब है इसका। 18 है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम जो है ये 1000 ग्राम के बराबर होता है। व्यूअर, ये था यूनिट 8। यूनिट 9 को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।